बसपा सुप्रीमो मायावती यूं तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर बहुत कम ही कुछ पोस्ट करती हैं, लेकिन जब भी जिस मुद्दे पर वो इस प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं वो काफी बड़ा होता है। इस बार उन्होंने पेपर लीक का मामला उठाया है। नीट बवाल के बीच यूपी की पूर्व सीएम ने केंद्र सरकार को सलाह दी, मायावती ने जो कहा उसके लिए आपको उनका ये पोस्ट देखना पड़ेगा। बतौर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश में समय समय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता के साथ ही वर्तमान में खासकर मेडिकल की नीट, यूजी और पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उससे लोगों में बेचैनी, चिंता व आक्रोश की लहर स्वाभाविक है, जिसका शीघ्र ही सही स्थायी समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। अपने दूसरे पोस्ट में मायावती ने लिखा, वैसे ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि यूपी समेत कई राज्यों में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक व सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला भी अति गंभीर, दुखद व चिंतनीय है। इस समस्याओं के प्रति किसी प्रकार की सरकारी लापरवाही और न ही राजनीतिक उचित, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए सख्त कदम आवश्यक है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद बसपा सुप्रीमो ने भी परीक्षाओं में हो रही धांधली पर खुलकर अपनी बात रखी। मायावती के इस पोस्ट से साफ है कि उनकी पार्टी परीक्षाओं में गड़बड़ी के सख्त खिलाफ है। उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द पेपर लीक की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इतना ही नहीं, बीएसपी चीफ ने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। पेपर लीक वाकई बहुत बड़ा और गंभीर मसला है, क्योंकि लाखों युवा इसके लिए कड़ी मेहनत और तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी यही मेहनत पेपर रद्द करने से बर्बाद हो जाती है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। We'll be right back.